अब लगाने जा रही हूँ उड़द की दाल का दो, जिसकी मैं कचौड़ियाँ बनाऊंगी। तो ये मैंने उड़द का आटा लिया है, मैंने पीस लिया था। ये मैंने एक कटोरी के करीब ले लिया और इसमें मिला लूंगी इतना ही आटा। और ये मैंने छान लिया। अजवाइन, तो मैंने थोड़ी सी अजवाइन ले ली है, इसे क्रश करके डाल दूंगी। ये अजवाइन डल गई है, देखो क्रश करी हुई। और इसमें डालूंगी मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। क्योंकि उड़द की दाल की बच्चे कम खाते हैं तो कम ही बनाऊंगी। और ये मूली वाला पानी भी इसमें डाल दूंगी और डो लगा लूंगी। तो इसका डो ना ज़्यादा टाइट लगाएंगे और ना ज़्यादा लूज, क्योंकि उड़द की दाल का महत्व होता है, इसलिए जरूरी है। मैं बड़े बनाते हैं वो बना नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि कचौड़े ही बना दूँ। अभी मैंने डो लगा दिया है, बस से 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी इसमें, ये क्रिस्पी भी हो जाए इससे और ये थोड़ा चिपकेगा भी नहीं, बहुत चिपकता है ये आटा। ये मेरा हो गया है थोड़ा की दाल का डो, आटा मैं पहले ही लगा चुकी हूँ थोड़ी होगा। अब बनाती हूँ मैं रायता, तो मैं रायता कर देती हूँ रेडी। तो ये देखिए दही चला लेती हूँ, इसमें डालूंगी फिर मैं नमक, काला नमक। ये देखिए काला नमक डाल दिया, इसमें डाल दिया मैंने रायता मसाला, इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, आप भी यूज करना रायता मसाला। और ये है बूंदिया, और ये है जीरा पाउडर, इसे मैं जीरे को भून के और पीस के रख लेती हूँ, तो जीरा पाउडर तैयार रहता है हमेशा रसोई में, फिर बार बार झंझट नहीं पड़ा कि तवे पे मैं घिसती रहूँ। अब मैं इसे मिक्स कर लूंगी। ये देखिए, ये देखिए, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, खाया भी नहीं जाएगा ये, इसलिए इसमें थोड़ा सा डालेंगे पानी। ये देखिए पूरा गाढ़ा है अभी ये, तो इसमें डालते हैं थोड़ा सा पानी, मिलावट कर देते हैं थोड़ी। ये देखिए अब हो चुकी है इसमें मिलावट, अब मेरा रायता हो चुका है तैयार। बारी बारी से मैं डाइनिंग पे सामान लगाती रहूंगी, फिर बच्चों से करवाती हूँ पूजा, खाना मेरा तैयार, बस पूड़ियाँ निकाल लूँ। ये देखिए ये हो गया मेरा रायता बूंदी वाला स्पेशल रायता मसाले के साथ, ये देखो बहुत टेस्टी लगता है, हमारे बच्चों को तो आदत भी है रायता बहुत। तो
और आ चुके हैं हमारे भांजे राजा, जिन्होंने कर दिए बहुत देर, लेट हो गया था, कॉलेज गया था, फिर बैंक गया था। इनके मारे हमारे बच्चे भी भूखे हैं इनके इंतजार में कि पहले पितृ गया था, कॉलेज भी गया, पितृ देवताओं की पूजनियों को खिला दो फिर खाएंगे। ये मामा के असली भांजे। लगाते हैं हम श्राद्ध की थाली, श्राद्ध पितृपक्ष की। तो ये मैंने बनाए छोले, ये है आलू गोभी की सब्जी, ये आज इकासी है तो खीर नहीं बनी है तो बनाए हैं जवे, ये बनाया रायता, ये बनाया मैंने मावे के लड्डू, ये बनाया मैंने जमूली का सलाद का, और ये सलाद अलग से, और ये पूड़ियाँ, और ये उड़द दाल की स्पेशल कचौरियाँ। तो ये हो गई मेरी थाली तैयार पितरों के नाम की, श्राद्ध की। तो आप भी खा लीजिए पितर के बाद। तो हो चुका है मेरा खाना तैयार, अब मैं खिलाती हूँ भांजे को, और भांजे को खिलाने के बाद फिर उन्हें दान दक्षिणा देंगे स्पेशल श्राद्ध थाली। पहली बाइट में दर्द आ गई, मूवी आ रही है तेरी, तो मूवी थोड़ी सी बाइट लेती है। बहुत बढ़िया चीज बनाई है, ये क्या है? इसमें नमक नहीं डाला अभी, मूली का वो बनता है ना आज के दिन, डाल दो नमक। ना नहीं नहीं डालूंगा। अरे बिना नमक के क्या टेस्ट आएगा? मीठा ही सोचे होंगे। मैं वो बोलेगा बरूद है मैं मीठा। भाई वाह, लड्डू वो जो मेरा मन था ना वो एक मिल गया आज। खाए क्या क्या समझ में ना, किस किस में डुबाऊं। ये पानी है आपके? ये पानी है पर यही ना यार। आज नहीं था, आज नहीं था, तभी ना वो रखूं भाई सर, वो रखूंगा जब पीने में सबसे खाली करो साथ में खाली। टुकड़ा मैंने ना यूँ करा, टुकड़ा निकल गया, पेट भर गया मेरे तो एक सब्जी में और चार टुकड़े में। ये भी तो हम समाएंगे पूरी सब्जी को, मैंने ही पूरा खाया, लड्डू भी समेगा रायता भी समेगा। पता नहीं खाने छोड़ते मामा ने, मामा भी ना जाने मामा ने, ओके हो गया भैया खाना बच गया है, इन्होंने खाना छोड़ा है। 6 फुट के आदमी है, 6 इंच के, हम पे खाया नहीं जाएगा। ये देखो कितना छोड़ा है, पता नहीं खाया क्या इन्होंने। ये हमारे गोलू जी का भोजन हो चुका है, और भोजन में थक चुके हैं। आशीर्वाद दो। तो हो चुका है हमारा श्राद्ध पक्ष का पूरा, और गोलू खाना नहीं खा पाए, देखो इन्होंने कितना कितना खाना छोड़ा है। ये तो वही नहीं खाया, और ये मामा जी के पास जाएगी शिकायत, पता नहीं क्या खाया, सुबह में लग रहा लड्डू ही खा लिया, उससे पेट भर गया, शुरू में इतना खाया लड्डू पेट भर गया, दो इसको रख दो। तो हम शाम को जा रहे हैं हॉस्पिटल जिया जी को देखने, क्योंकि उनकी तबीयत खराब, वो है एडमिट। तो शाम का हो रहा है टाइम, शाम क्या रात ही हो चुकी है,
हम चल रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ और देखो कितना जाम हुआ है। ये देखिए कहीं भी सड़कें खाली नहीं मिलेंगी आपको। ये देखिए बस हमारा एरिया थोड़ा खुला मिलता है, अदरवाइज हर जगह कंजेस्टिव कंजेस्टिव है। तो वह मैं आ चुकी हूँ हॉस्पिटल जहाँ जीजा जी एडमिट है। दो तीन दिन से टाइम निकाल के आज टाइम निकल पाया है। उनको हो रही थी बैक पेन तो वो एडमिट थे दो तीन दिन से, तो आज मैं देखने आ पाई हूँ क्योंकि बच्चों के साथ और काम बहुत हो जाता है। है ना ये मिट्टी को मैंने कह दिया, मैंने पेल आ जा, अब पेल आ जाएगा तो ये है कि यहाँ से वापस में लेना भूल जाएगा। ये नमस्ते, खुश हो रहे हो? क्या करे मोहसिन नमस्ते। कैसे नहीं स्कूटी से कैसे आते हम सारे जने आए। तो फाइनली हम हॉस्पिटल आ चुके हैं, जिया जी को देख लिया, अब उनको रिलीफ है, अब उनकी छुट्टी भी हो चुकी है तो वो घर जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं करती हूँ व्लॉग का दी एंड, आपसे नए व्लॉग के साथ फिर मिलेंगे। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके बाय।